मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे हम लोगों ने गोद लिए हुए हैं। कटा हुआ पेट तो नहीं दिखा सकती, इस टॉपिक पे भी बात कर लेती हूँ। इतनी चप्पल मारूंगी ना मुंह पे, बीच में से फाड़ दूंगी। मैं क्यों जवाब दूं आपको इस चीज का? चुड़ैल जैसी लगती है, बंदर जैसी लगती है, क्या बिगाड़े बच्चों ने आपका। तो गाइस आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे बैठी हूं तो उसका एक रीजन है। आज मैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करने आई हूं। जब तक बात मेरे ऊपर, अरमान जी के ऊपर और गोलू के ऊपर थी, मैंने उस बार में कोई बात नहीं करी। लेकिन अब जो है ना, पानी सर से ऊपर चला गया है, बात हमारे बच्चों पे आ गई है, स्पेशली तुबा और पे आ गई है। ठीक है, मैं सब कुछ सह लूंगी, पर अपने बच्चों के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई ना, मैं उसकी उंगली काट दूंगी। मैं ये खुल्लम खुल्ला बोल रही हूं, मैं उंगली काट दूंगी अगर मेरे बच्चों के बारे में किसी ने उल झलूल बात करी, कुछ भी गलत बात करी। ठीक है, अभी बात करनी बहुत जरूरी होगी क्योंकि कमेंट्स भर चुके हैं मेरे पास ना। लोग बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरी जो तूबा है, स्पेशली मेरी तूबा के लिए बात की जा रही है, वो बहुत काली है, वो किसी से गोद ली है। अब तक मैं चुप थी, मैंने सोचा चलो छोड़ो, कुत्ते भौंकते हैं, भौंक के चुप हो जाएंगे। पर ना अभी उन कुत्तों को जवाब देने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले ना मेरी ये पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी देख लो आप, जो मैंने दुख सहे हैं, जैसे मैंने बच्चे कंसीव किए हैं, जैसे मैंने डिलीवरी की है, मैंने कितनी दवाइयां खाई हैं, कितने इंजेक्शन लगवाए हैं, कितने अल्ट्रासाउंड कराए हैं, वो सब पहले आप देख लो डिटेल में, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करती हूँ। जिन लोगों को ना डर लगता है उटी में जाते हुए, तो ये है मेरा आलिशान रूम, जो भी कुछ होगा हम दोनों की मर्जी से हो रहा है। डर क्या के जीते, ये बहुत ही हमारी सुनो, चीकू के छोटी छोटी बच्ची, कोई नहीं सर, लेट जा, मैं देख लूँ सबको। देखते रास्ते में अगर बारिश तेज मिली, डर लग रहा है क्या? फाइनली हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। ये जो चमक रहा है ये हमारा आउटर है। फर्स्ट टाइम अंदर गई ओटी की, और आज चीकू के पापा का मन नहीं कर रहा, चीकू की जो है मौज कर दी। तो भाई हमारी जो मनदीप मैम है ना, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मैं बाहर बैठ के फाइल का वेट करती थी, पर मैम ने बोला आप अंदर आ सकते हो, तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए है, गाउन पहन लिया है, साथ में मैंने कैप पहन लिया, मैं जा रही हूँ अंदर। ये यूट्रस है जी मैम, के अंदर की लाइनिंग है जी मैम। ये जो चमक रहा है ये हमारा आउटर है, यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं, और हमें यूट्रस की जो टॉप है उसके 1 सेंटीमीटर नीचे रहना होता है, जैसे हमें 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है यहाँ से। तो अभी हमने उनको अब बोला है, वो इंक्यूबेटर से अभी एम्ब्रियोज निकाल रहे हैं। हाँ दिख रही है, पाल की बॉडी में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहे हैं, मूवमेंट हो रही है बॉडी में। ये जो चमक रहे हैं दो, ये तो हाथ से, हाँ ये रख दिए, इनकी हम इमेजेस भी देते हैं। जो हमने आपको कहा कि बाथरूम का प्रेशर, हाँ जी हाँ जी, वो ये सारा जो है ये ब्लैडर है, ये फुल है। जैसे हम पेट से ट्रांसफर मतलब अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो इसके कारण ये बहुत अच्छा दिखता है। तो जो ये हमें दिख रहे हैं, जो ये अभी हम फिर से दिखाते हैं, जो ये चमकते हुए दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं मैम, दिख रहे हैं दो, ये जो है ये पायल का जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो हो चुका है एकदम, और पायल यहाँ पे लेटी हुई है, और बहुत ही क्विक हो गया। मतलब मैं फर्स्ट टाइम अंदर गई ओटी की, और जैसे देखा 5 मिनट के अंदर हो भी गया। और मैम बहुत अच्छी है, मनदीप मैम सीरियसली बहुत ही अच्छी है, कॉर्पोरेटिव मैम है, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया और पूरा का पूरा प्रोसीजर दिखाया। और पायल की बॉडी में उन्होंने 2 रखे हैं, पर एम्ब्रियो इंजेक्शन थोड़ी लगेंगे। नोनू मोनू सोनू को भी खिलाओ, तीखा नोज है ना, मेरे जैसा नहीं है। मैं तो जाते ही मांग रही थी रिपोर्ट दिखाना, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। पायल बंदर कहाँ गया? साथ ने मंगवाया सैंडविच, बहुत गंदा, ऐसा क्रैम्प होता ना, इतना लेवल 2 वाले अल्ट्रासाउंड के लिए। बेबी के फेस को देख रहे हो, मूवमेंट कर रहे, लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। तो गाइस ये है दोनों बेबीज की बैकबोन। तो अचानक से ना पायल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, उसको सांस नहीं आ रहा, तो आज बिना मतलब की रो रही है। मैं चाहता हूँ ये बता दे, चले डॉक्टर चले एक बारी। तो आज बिना मतलब की रो रही है, मैं चाहता हूँ ये बता दे क्यों रो रही है। मेरे पता नहीं अजीब सा हो रहा है मन, जैसे पता नहीं ऐसे अजीब सा, किसी से बात नहीं करने का मन कर रहा है। ये बोल रहे बहुत देर से ना, भारी भारी सो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है। मेकअप खराब हो जाएगा, ऐसे मत खराब, कोई बात नहीं, मेकअप क्या हो रहा है, मतलब अंदर से क्या हो रहा है, भरा भरा लग रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा होता है गाइस कभी कि इंसान बैठा उसको रोने का मन करे, ये बता रही है मुझे कि मेरा मन रोने का मन कर रहा है, ये खुशी के आंसू है या फिर पता नहीं ऐसी अजीब सी फीलिंग, पता नहीं पहली बार हुई है मुझे, अजीब सा हो रहा है, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा। मेरे से गले से मत कर किसी से, इधर वो मेरे से वो नहीं बोल रही है, चल चुप हो जा मैं जान। तो अचानक से ना पायल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, उसको सांस नहीं आ रहा, मैं स्टूडियो से भागा हूँ, और मतलब स्टूडियो यहाँ से काफी दूर है, फिर भी मुझे 10 मिनट लगे घर पहुँचते, पर जाके देखते हैं क्या हाल है उसका। क्या हो गया था? खांसी आ रही थी, सांस आनी बंद हो गई थी, फिर चक्कर। इधर डॉक्टर ले चलो, अब ठीक। फोन कर दी थी, फोन किया 5 मिनट में आ गए, कुछ जल्दी आई हो, बाकी हो बहुत तेज, गाड़ी बहुत तेज लगी हो ना, ऐसे मत, सब मेरी टी शर्ट।
चलो डॉक्टर जाना। नहीं अभी ठीक है। सांस दो दो बच्चे है ना, वो ज्यादा सांस ले रहे होंगे अंदर। क्या होता अचानक से एकदम गोलो तो पता ही नहीं चला, बोल नहीं पाई। एक मुझे नहीं पता ये ना खराटे ले रही थी। हाँ। तो खराटे ले रही थी तो मेरे को तो नींद नहीं आती, मैं करवट चेंज करी थी। इसने नॉर्मल खांसी करी तो मुझे सुनाई तो दिया, खांसी करी। हाँ। नॉर्मल खांसी करी, फिर उसके बाद ये उठी मैं क्या कह रही, मुझे सांस नहीं। मैंने कहा मेरे को तो तेरी आवाज ही नहीं आई, कि मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैं तो सोई नहीं, मैं तो सोई नहीं ना। मैंने कहा तूने मुझे ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया। 9 बजे अभी ना। हाँ चले डॉक्टर चले एक बार। नहीं अभी ठीक है, ऐसा नहीं होता ना बेटा। ठंड है साफ कर रहा हूँ, चल चलते। कैसा फील हो रहा है अभी? ठीक है, थोड़ा ऐसे ठंड सी लग रही है। कुछ खाना है? नहीं। और बस आप घर पे? जब मैं घर रहूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है। पायल की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। गाइस पायल को ना बहुत तेज पेन हो रहा है, उसको भी लेके मैं साथ में जा रही हूँ हॉस्पिटल। चलो बेटी चलो। समझ में नहीं आती है तुम्हें, उसको पेन हो रहा है, तुम्हारे फैशन नहीं होते खत्म। मैं ज़ायद को घर पे नहीं छोड़ सकती ना अकेला, वो रोता है फिर। सुबह देख लिया क्यों हो रही है, मेरा फोन वहीं छोड़ा है। अब खुशखबरी दे दे, ऐसा बोलो मत ना, बस एक मिनट में पहुंच जाएंगे बस। तो गाइस बस सब कुछ ठीक हो, दुआ करना बस 5 मिनट पायल। तो जैसे भी होता है डॉक्टर बताएंगे, हम आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस अभी बहुत तेज पायल की आवाज आई चीखने की, अभी आप गैस कर सकते हैं। तो बच्चे क्या आने वाले हैं घर में? तो ये हमारी दिल्ली इच्छा है, पता नहीं रात को डिलीवरी हो जाएगी। रो क्यों रही है, बस हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बच्ची को नहीं देख पा रहे ना, अब देखना। आज के दिन मम्मी पापा की याद आते गोलू, देखते हैं वो तेरी सारी वीडियो। तू क्यों रो रही है अबे? चुप हो। मम्मी पापा मुझे पता है आप लोग सब मुझे रोज देखते हो, कल आप लोग फिर से नाना नानी बनने वाले। नाराजगी जिंदगी भर रखना, पर कल के दिन मत रखना। सरप्राइज मिलेगा आपको अगली वीडियोस में। पहली बार बोला, कभी नहीं बोला जिंदगी में। पायल जा रही है ओटी में, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है? ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। नाचो। हाँ जी गोलू आगे। एक तो मैं जा रही हूँ बार बार अंदर। पूरे 20 दिन बड़ा हो गया तू। तो गाइस जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है, मैं पायल के पास हूँ। अरे क्या बात है, फोन में बच्चे ठीक है। 7:01 पे हुए और 2 किलो 900 ग्राम का बच्चे। ओके ठीक है। और ये हुए 7:02 बेबी बॉय हुए, वो 7:01 पे हुए गाइस। और जो बेबी गर्ल हुई है वो 7:02 पे हुई है। मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई। गोलू कह रही है ये मोमेंट मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी। मैं आज तो कभी इतनी खुश नहीं हुई जितनी जिंदगी में आप खुश। चल कोई बात, चुप हो जाओ ना। वो देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, फैमिली कंप्लीट हो गई है हमारी। आप लोगों की दुआएं हैं, सबका प्यार है। और ये वीडियो हम तब डालेंगे जब हमें फेस रिवील करना होगा ना। हाँ तब डालेंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पायल की IVF की जो जर्नी है पूरी देख ली होगी, मैं ये बात पूछ रही हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो अपने प्रोफेशन से झूठ बोले। आप लोगों को सभी को पता है कि पायलों में डिलीवरी कहाँ पर हुई थी, एडवामेट हॉस्पिटल है नूपुर मैम। अगर किसी को लेकर दिक्कत है, कोई डाउट है ना, जाकर उनसे पूछ लो जाकर कि मैम पायल आई थी, आपने पायल का ट्रीटमेंट लिया था। मुझे अच्छे से याद है जब पायल को फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई थी, हम नूपुर मैम के पास भागे थे। उस दिन से लेके आज तक 9 महीने की जो जर्नी थी, हमने हर एक मोमेंट आपको शेयर करा है व्लॉग में कि पायल को ब्लीडिंग हुई है, पायल को पेट में दर्द हुआ है, हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए, अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स तक शेयर करिए। उसके बावजूद भी आप लोग बोल रहे हो कि बच्चे हम लोगों ने गोद लिए हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा गाइस, मैंने ये पूरी जो जर्नी है ना अपनी, मैंने इसलिए शेयर करी थी आप लोगों से कि कुछ लोग, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको माँ बनने की खुशी नहीं मिलती है। मैंने ये सोच के पूरी जर्नी आप लोगों को दिखाई थी कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है, मेरी वजह से अगर कोई अभी तक माँ नहीं बन पाई है, वो माँ बन पाए। मुझे पता है मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं बहुत लोगों के, मेरे पास ऐसी औरतें मिली भी हैं मुझे जिन्होंने मेरे को देख के ना IVF के थ्रू वो प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, उनको मेरी वजह से खुशी मिली है, ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरी गलती यही थी कि मैंने अपनी जर्नी यहाँ YouTube पे दिखाई है? और बात रही सिंगल ट्यूब की, कि सिंगल ट्यूब में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो गाइस आप जाके कोई भी जहाँ पे आप रहते हो ना, आपके आसपास कोई डॉक्टर हो जो IVF करता हो, जाकर उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि सिंगल ट्यूब के अंदर भी औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। नेचुरली पायल ने पहले कंसीव किया था, उसके बाद उसने ट्राई करा, नेचुरली नहीं हुआ तो हम लोग गए IVF करवाने के लिए। और दूसरा गाइस मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को जो जिस तरफ ले जाता है, आप उस तरफ ले जाके उस तरफ बात करने लग जाते हो। बाहर के लोग हम लोगों के खिलाफ आप लोगों को जो भी बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, मुझे कमेंट से फर्क पड़ रहा है, मुझे कमेंट्स देख के गुस्सा आ रहा है कि आप लोग पूरे 2 साल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हो, ठीक है। 2 साल तक आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते थे, मुझे इतना प्यार देते हैं आप लोग, और इंस्टेंट क्या हुआ कि आपने मुझे इतना कुछ बोलना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों के बद्दुआ देनी शुरू कर दी। एक कमेंट तो मैंने आपको उस दिन भी बताया
था निशा डीके 6438 का आया था, उसने इतनी गंदी बद्दुआ दी मेरे बच्चों को। दिल तो कर रहा है कि मैं बहुत सारी गालियां दूं उसे, पर मैं उस हद तक गिरी हुई नहीं हूँ, ठीक है। ये आपकी सोच है कि आप किसी मतलब जिसने बच्चे ने अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया है, अभी उसने कुछ नहीं देखा, ठीक है, आप उसके बारे में इतना गंदा कमेंट कर सकते हो कि भगवान करे इनके तीनों बच्चों में से एक बच्चा भगवान को प्यारा हो जाए। स्पेशली तूबा, ठीक है, तूबा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी बेटी जैसी भी है मेरी बेटी मेरे लिए हीरा, ठीक है। मैंने अपनी जनरी इसीलिए दिखाई थी आप लोगों को कि आप लोगों को उससे कुछ मिले, आप लोगों का कोई फायदा हो, इसलिए नहीं दिखाई थी कि आप लोग कल को ये बोलो कि वो बच्चे मेरे नहीं है, ठीक है। मुझे पता है वो बच्चे मेरे हैं, मैंने उनको जन्म दिया। अब मैं आपको अपना कटा हुआ पेट तो नहीं दिखा सकती, मैं उनको फिट कराते हुए तो नहीं दिखा सकती आपको, ठीक है। और आप रही बात सपना दीदी, सुनीता दीदी, सरोज भाभी, कुलदीप भैया, इन सबकी बात आप लोग करते हो, तो मैं यहाँ इस टॉपिक पे भी बात कर लेती हूँ कि जब हमने शुरू की थी ना ये जर्नी, शुरू की थी डब बैस से, फिर हम आए म्यूजिकली पे, फिर हम लोग टिकटॉक पे आए, फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे आए, फिर उसके बाद कहीं जाकर गाइज हम लोग यूट्यूब पे आए। तो ये जो हमारी मेहनत है ना, ये पिछले 5 साल की मेहनत है, तो हमें जाकर ये फेम मिला है। आप लोग आज आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सपना दीदी को देख के, मैं कहती हूँ आप, मैं दुआ करती हूँ आप और भी प्यार दो उन्हें, मुझे गालियों से मेरे कमेंट से मेरा सेक्शन पूरा भर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप शुरुआत से जब हम हैदराबाद से हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी, हमारा पहला ब्लॉग हैदराबाद का, आप वहां से देखना शुरू करो हमें, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ इस सक्सेस पे जो आज हम लोग हमारे पास इतने सारे काम करने वाले हैं, 40 मेंबर्स की टीम है हमारी, ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इतने ही बुरे होते तो ये लोग हमारे साथ जुड़े नहीं होते, ठीक है। हमारे घर में काम करने वाले बहुत सारे हैं, हमारी टीम मेंबर अलग है, 10 लोग तो सिर्फ हमारे घर का जो टेक केयर करते हैं वो लोग हैं, 3 लोग हमारे बच्चे के टेक केयर करते हैं वो लोग हैं। अगर हम लोग इतने ही बुरे होते तो शायद हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े नहीं होते, ठीक है। बात रही है, आप लोग कहते हो कि इसका चैनल छीन लिया, उसका चैनल, हम पे बहुत एलिगेशन लगा रखे हैं और भी लगेंगे, आगे भी लगेंगे, इस वीडियो के बाद भी लगेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सुन सकती हूँ। अगर इसके बाद किसी ने मेरे बच्चों के बारे में कमेंट किया तो मैं उसको ना बीच में से फाड़ दूंगी, मेरे बच्चों के बारे में किसी ने बोला तो। अब रही बात, देखो शुरुआत में जब हम यहाँ पे आए थे, हैदराबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने किराए पे मकान लिया, हमने अपना काम शुरू किया, हमने कितने लोगों को नहीं सिखाया, हमने बहुत लोगों को काम सिखाया। आज के समय पे कौन सा ऐसा बंदा होगा जो अपना टैलेंट किसी और के साथ शेयर करे, अपना काम किसी और के साथ शेयर करे, मुझे सिर्फ एक कमेंट में बता देना ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसने अपनी पूरी फैमिली यूट्यूब पे लेके आया हो, पूरी फैमिली को स्टैंड किया हो, ठीक है। आज हम पे एलिगेशन लग रहे हैं कि इसका चैनल, उसका चैनल, आज तुम लोग हमारी फैमिली से बात करते हो कॉल पे, उनकी कॉल रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अरे माइंड वॉश तो कोई भी किसी का भी कर सकता है, और वो लोग तो है ही ना, वो लोग तो है ही ना समझ, उनको कुछ नहीं पता गाइस क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, आप उनको इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उनका माइंड वॉश कर रहे हो, तो बंदा तो बोलेगा ही ना। दूसरी बात रही, देखो सबसे पहले हमने सपना दीदी को सिखाया, 3 BHK मकान लेके दिया, नौकरानी रखे दी साथ में कि दीदी आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ व्लॉग बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब काम वाली करेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो शुरुआत वाले व्लॉग सपना दीदी के देख लेना, हमारे भी देख लेना, ठीक है। कौन सा ऐसा भाई है, ये कौन सी ऐसी भाभी है, भाई तो चलो कर देते होंगे, कौन सी ऐसी भाभी है जो अपने पति से अपनी बहन के लिए इतना करने देगी, बस मुझे इसका जवाब देना। जब वो कमाते भी नहीं थे, जब वो इस लाइन में सिर्फ आए थे, जब उनको चैनल खोल के दिया था, उनके व्लॉग्स में आधी चीजें हम करते थे, उनका व्लॉग एडिट हम करते थे, उनको व्लॉग बनाना सिखाते थे, उनको हर एक एक क्लिप मैंने सिखाई है कि कैसे करते हैं, ठीक है। जब उनके पास कुछ नहीं था वो यहाँ आए थे, वो सिलाई करते थे, हमने ये सोचा कि सिलाई छोड़ देंगे, दीदी सारा दिन सिलाई पे बैठी रहती है, आंख कमजोर होगी, शरीर कमजोर होगा, उनको व्लॉग सिखाया। क्या खर्चा नहीं होता किसी चीज पे, हर एक चीज पे खर्चा होता है, सभी को पता है कालू भैया के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों बार बार नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, ठीक है। वो जिंदा है ना इस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हरमान जी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जब भी देखा ना कि मेरा भाई अब नशे में इतना वो हो गया है कि अब वो जब इतना नशा करते हैं गाइस, इतना नशा करते हैं कि वो एकदम कमजोर हो जाते हैं, और चीकू के पापा नहीं देख सकते अपने भाई को, अपने सामने नहीं देख सकते नशा करते, वो चाहते हैं कि मैं जब तक हूँ मेरा भाई जिंदा रहे, जब तक मैं हूँ इस दुनिया में मैं उसको जिंदा रखूँ, तो इसलिए वो उसको कालू भैया को रिहैब सेंटर भेजते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर नशा छोड़ दे, और वो इसलिए उसको निकालते हैं क्योंकि वो नहीं रह सकते कालू भैया के बिना, उनको लगता है मैं 2 महीने उसको रखा हूँ, क्या पता मैं उसको निकालू वो ठीक हो जाए, जब वो बाहर निकलते हैं कालू भैया 2-3 दिन सही रहते हैं, फिर वो नशा कर देते हैं, फिर वो अंदर छोड़ देते हैं उनको। और मुझे ये समझ में नहीं आता जब जो इंसान अपनी सारी सीख किसी को दे सकता है वो किसी के साथ बुरा कैसे कर सकता है, ठीक है। हाँ अगर मैं ये आज भी बोलती हूँ, अगर कोई हमारे साथ बुरा करेगा ना तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले की लाठी ना ज्यादा देर तक छुकती नहीं है, ठीक है। अगर हमने गलत किया होगा ना तो हमारे साथ भी होगा, यही हो जाते हैं सारे अच्छे बुरे कर्मों के ना फैसले यही हो जाते हैं, ये नहीं होता, कहते हैं ना कि
ऊपर जाके फैसला, ऊपर कोई फैसला नहीं होता, सब धरती पे होता है, सब जमीन पे होता है, ठीक है। तो इतने बड़े बोल मत बोलो कि आपको उन बोलों का पछतावा हो। ये बोल वो है जो आप लोग कमेंट करते हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जब एक इंसान सब कुछ सिखा सकता है, सबको स्टैंड कर सकता है, गोलू की मम्मी सप्ता दीदी, सुनीता, चलो सुनीता दीदी का अकाउंट नहीं बना के दिया, पर उन्होंने सीखा कहाँ से? उन्होंने सीखा गोलू से, मुकुल से, कालू भैया से, सपना दीदी से, सरोज भाभी से सीखा। उनको सिखाने वाला कौन था? हम लोग थे, हमने सिखाया है। लेकिन प्यार देने वाले आप लोग, आपने बनाया उनको, और मैं तो कहती हूँ बनाओ, ठीक है। लेकिन किसी को इतना बुरा मत बोलो। कोई अगर इंसान किसी को सहारा बनता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके आप लोगों की गालियां खाए। गाइस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कोई भी खून का रिश्ता होता है ना, कोई भी, चाहे वो भाई बहन हो, माँ बाप हो, भैया भाभी हो, चाचा ताऊ हो, कोई भी रिश्ता होना है, वो जिंदगी भर के लिए टूटा नहीं जाता है, ठीक है। आज नहीं तो कल सपना दीदी से बातचीत होगी, सपना दीदी वापस इस घर में आएंगी और उनकी इज्जत उतनी रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है। हालांकि उन्होंने कुछ भी बोला हो मेरे बारे में, या गोलू के बारे में, या किसी के बारे में भी, हनुमान जी के बारे में भी कुछ भी बोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया खाने के लिए नहीं देती, खाना कमाना खुद ही पड़ता है, ठीक है। सपना दीदी के लिए आज भी वही घर में वही जगह है जो पहले थी, ठीक है। सपना दीदी का भी माइंड वॉश किया गया है, सपना दीदी को भी बोल मतलब ऐसा भरा गया है कि उन्होंने हमारे खिलाफ उसकी बात करी है। बाकी कोई भी परिवार, और देखो जब प्यार, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ लड़ाई भी होती है, ठीक है, और लड़ाई खत्म भी होती है। ऐसा नहीं है जिंदगी भर लड़ाई चलती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग बस करो, और कोई फायदा नहीं है। ये ना हमारी आखिरी वीडियो है इस बारे में, क्योंकि हम लोगों का बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का। आप जब तक हमारे बारे में बोल रहे थे हम लोग सुन रहे थे, कोई बात नहीं। पायल के लिए, मेरे लिए, हनुमान जी के लिए बहुत कमेंट आते हैं, हम लोग सुनते हैं, बट आज बहुत ज्यादा हद हो गई। हमारे बच्चों के लिए बोला गया तो मैंने, और कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स, कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स लगते हैं, चुभते हैं, ठीक है, आपके कमेंट्स। क्योंकि ऐसे बैड कमेंट्स ना मुझे कभी नहीं आए, लाइफ में नहीं आए, जो आप लोग अब करने लगे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेरी गलती यही है कि मैंने आप लोगों के बारे में सोचा, मैंने सोचा कि मेरे वजह से आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है। मैंने अपनी पूरी जर्नी आपको दिखाई इसीलिए कि भाई समाज में कोई मैसेज जाएगा, समाज में मेरी वजह से अगर कोई बदलाव हो, अच्छा क्यों ना हो इसके बारे में। और बस मुझे समझ में ये नहीं आ रहा गाइस कि आप लोगों ने मतलब ठान लिया है कि कैसे मलिक फैमिली को जो है बर्बाद किया जाए, कैसे टॉर्चर किया जाए। आप लोग टॉर्चर कर रहे हो मैं कमेंट्स कर करके, पर हमें मतलब नहीं पड़ता। एक इतनी गंदी बात है, एक इतनी गंदी बात है कि गाइस एक माँ जिसने अपने पेट में 9 महीने बच्चों को रखा, वो भी 2 बच्चों को रखा, पायल के आखिरी टाइम में, मुझे पता है ना, मैंने देखा है, हमारे घर वालों ने देखा, हमारी पूरी टीम ने देखा, उसको सांस नहीं आती थी, उसको इतनी दिक्कत होती, रात को उसको बॉडी में पेन होता था, क्रैम्प्स आते थे, खुजली होती थी पूरी बॉडी के अंदर, उसकी लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी। वो कैसे तैसे करके अपने 9वें महीने के अंदर पहुंची है, उसने बच्चे डिलीवर करे। हमने हर एक वीडियो दिखाई, मतलब हमारे से ये गलती होगी कि हमने अंदर की वीडियो नहीं दिखाई। बच्चे निकू में रहे, बच्चे निकू में रहे, चलो मैं दूसरे दिन निकू में रही है। पायल मैं ये मान जाती हूँ, आप बोल रहे हो जो आप बोल रहे हो, अगर बच्चा हम बाहर से लेते तो बच्चे की नाल कैसी होती? जो हम निकू में बच्चों की वीडियो दिखाई है, बच्चे की नाल लगी हुई है, वो भी फेक है क्या? फिर क्या मतलब, होते ही बच्चा किसी से मैंने गोद ले लिया, मतलब उसने डिलीवर किया है और मैंने उससे बच्चा ले लिया? इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोगों को एक तरफा दिख रहा है, आपको दूसरा तरफा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे हैं। हम बोल नहीं इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में ना YouTube पे ये खेलना, ये हमें नहीं आता। एक दूसरे को नीचा गिराना, ये हमें नहीं आता, ना हम बोलने वाले। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों को आप जानते ही नहीं थे, जिन लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ हमारे जरिए जाने हो, ठीक है, जिन लोगों का नाम भी नहीं जानते थे आप, कौन सपना, कौन तन्वी, कौन सुनीता, कौन कुलदीप, कौन सरोज, कौन 3 बच्चे, आप किसी को जानते नहीं थे, उनको इंट्रोड्यूस हमने कराया आपको, ठीक है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सफाई नहीं देना चाहती कोई भी, ठीक है। आप मुझे कुछ भी बोले, मुझे चलाक बोले, लोमड़ी बोले, मुझे डायन बोले, मुझे कुछ और किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना हमारे बच्चों के लिए, हमारे पास पूरी दुनिया को पता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, आ जाओ हमसे मिल लो, हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। अगर आपको हमारे पास भी नहीं जाना तो एडवर्मेट हॉस्पिटल चले जाओ, नुपुर मैम का नंबर है, उनको कॉल कर लो, उनसे पूरी डिटेल ले लो, और ऑलमोस्ट सर्जरी कैसे, ऑलमोस्ट लोगों के पास शायद एडवोमेट का एड्रेस भी होगा, और वहाँ से बहुत इजीली आपको नंबर भी मिल जाएगा। और मैं तो खुश हूँ कि मेरे को देख के ना, जब मैं हाँ। जब जैद एडमिट था वहाँ पे 3 केस आए थे, सिलीगुड़ी से और देहरादून से, एक और आया था मतलब आउट ऑफ मतलब स्टेट का केस था। तो वो लोग पायल से मोटिवेट होके जब हम मिले ना उनसे, तो वो औरतें बोल रही थी कि हम लोग आपको देख कर आए हैं, और हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई थी इस चीज की कि पायल ने जो IVF कराया, उसके सिंगल ट्यूब में जो प्रेगनेंसी ठहरी है, उसकी वजह से बहुत सारी औरतें हैं जिनको कभी कोई दिक्कत है वो पायल को देख के मोटिवेट हुई है, उन्होंने IVF कराया है। पर हमें ये नहीं पता था कि इस IVF के लिए आप हम लोगों को ये कमेंट दोगे कि बच्चे हमारे नहीं है। और कुछ सवाल ये भी थे, ये भी हैं, अभी भी हैं कि इन लोगों की सीजरन हुआ है, इनका ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, और ये इतनी जल्दी जो है सारे काम कर रही हैं, और इतना हंसती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं। तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ। शुरुआत से लेके डिलीवरी तक कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि हम लोग जो है एक्टिव नहीं थे, हम हमेशा एक्टिव रहते थे। चाहे हमारे घर में काम वाली नहीं आती थी, तो पूरा घर का काम भी करते थे। हम लोगों ने अपना घर तक शिफ्ट करा जब हम प्रेग्नेंट थे, हमने
अपना घर भी शिफ्ट करा, हम नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए, हमने गाइस हर एक चीज करी, हम इतने एक्टिव क्यों थे क्योंकि अरमान जी ने स्टार्टिंग से, मतलब आप लोग तो हमें यूट्यूब से जानते हो ब्लॉग से, उससे पहले भी ना पायल बहुत टाइम से जिम करती आ रही है। चीकू जब होने के बाद पायल ने जो अपना वेट रिड्यूस करा है 20 किलो 25 किलो जो कम करा है वो सिर्फ और सिर्फ जिम के थ्रू करा है। ठीक है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, ठीक है, जिम करते हैं, टाइम से सब कुछ करते हैं, ठीक है, इस वजह से जो है हमें इतना जो है सी सेक्शन का फर्क नहीं पड़ा। मेरा तो ऑलरेडी पहले भी हो रखा है ऑपरेशन, तो मैं पहले भी इतनी जल्दी जो है एक्टिव हो गई थी। और गोलू को भी जो है 2 महीना तो हो गया तुझे? हाँ बिल्कुल हो गया, 2 महीने इसको भी हो गया। और ये देखो बॉडी टू बॉडी होता है, फर्क पड़ता है, ठीक है, हमारी बॉडी हमें अलाउ करती है, हम काम भी करते हैं, हम बच्चे भी देखते हैं, हम व्लॉग्स भी बनाते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें अलाउ कर रही है, हम ये चीजें कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, शायद आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती होगी। बिल्कुल सही बात है। सबसे ना बुरा तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे खुद के बच्चे होते हुए ना मुझे सफाई देनी पड़ रही है मेरे बच्चों के लिए, कि वो बच्चे मेरे ही हैं। मतलब ना आप लोग मुझ पे उंगली नहीं उठा रहे हो, आप एक माँ पे उंगली उठा रहे हो, माँ शब्द पे उंगली उठा रहे हो कि आप खुद उस शब्द को ना शर्मिंदा कर रहे हो कि मुझे सफाई देनी पड़ रही है, बच्चे मेरे हैं, पर मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, मुझे पता है ये बच्चे मेरे हैं, पर मेरे बच्चों को लेके जो आपने बोले ना, जो कमेंट्स किए हैं, मुझे पता है मेरा भगवान देख रहा है, मैंने किसी का गलत नहीं किया आज तक, और मैं अपने बच्चों के लिए आप लोगों को सफाई क्यों दूं? मुझे पता है ना वो बच्चे मेरे हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया, मैं उन्हें फीड कराती हूँ, मैंने अपना पेट कटवाया, मैंने 9 महीने तकलीफ झेली उन बच्चों के लिए, मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने दवाइयां खाई है, मैं क्यों जवाब दूं आपको इस चीज का? रही बात हमारी फैमिली की, तो उसमें पता क्या होता है, आप लोग आज बोल देंगे, कमेंट कर देंगे, कल कर देंगे, 1 महीने तक कर देंगे, 2 महीने तक कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? फैमिली फैमिली होती है, आज अलग है ना, दुनिया में कोई गाइस ऐसा रिश्ता नहीं होता जो बहुत दिन तक नाराज रहे, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे बहन बहन का रिश्ता हो, कभी ना कभी उनकी जो मिलाप होता है वो हो जाता है। तो गाइस ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट मत करो प्लीज, आप ये सब कमेंट करके ना हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हो, जैसे आप लोग थे वैसे हो जाओ। आप लोगों के हाय क्यों लूं मैं अपने बच्चों पे, और मैंने कोई सफाई नहीं दी है, मैंने सिर्फ आपको चेतावनी दी है कि मेरे बच्चों के बारे में किसी ने एक शब्द बोला ना, मैं बीच में से फाड़ दूंगी उनको, इतनी चप्पल मारूंगी ना मुंह पे, उन लोगों के लिए जो गलत बोल रहे हैं, सब लोगों के लिए नहीं है। तुबा बहुत काली है, तुबा बहुत ये है, तुबा बहुत वो है, तुबा तो चुड़ैल जैसी लगती है, बंदर जैसी लगती है, जो ये जो चीजें बोल रहे हो ना आप लोग, इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मेरे बच्चों के बारे में दोबारा अगर हमने कमेंट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, हमारी फैमिली है, आज नहीं तो कल एक होगी। आप लोग बुरे बन रहे हो ना, हम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोल रहे हैं ना, उधर से कोई हमारी फैमिली के बारे में जवाब आ रहा है, ठीक है, बुरे बन रहे हो आप लोग सिर्फ, ठीक है। फिर मैं नाम ले लेके अगर कमेंट पढ़ने लगी ना तो घर में बैठे बैठे जलील हो जाओगे, आप लोग जलील हो जाओगे और लोग गालियां देंगे आपको। अगर मैंने नाम लेके यहाँ पे कमेंट पढ़ने शुरू कर दिए ना, उस दिन भी जो हमने कमेंट पढ़ा था ना, खूब गालियां पड़ी थी, क्या नाम था लड़की का, निशा डीके का, खूब गालियां पड़ी थी। तो हम यही करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करना बंद नहीं करोगे, हम लोग आपके नाम लेके कमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अपने लिए सुन लेंगे और बच्चों के लिए नहीं सुनेंगे, और उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने करा क्या है, 1 महीने के बच्चे हैं, अपनी आंख अब खोली है, क्या बिगाड़ा है बच्चों ने आपका, जो आप इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो, आप ये सोचो खुद ना खास्ता अगर आपके बच्चों के लिए कोई ऐसा बैड कमेंट करे क्या बीतेगी, जिस माँ ने जन्म दिया ना उस पे क्या बीतती है वो वही जान सकती है, आप लोग नहीं जानोगे। बस जाते जाते इतना ही बोलना चाहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए कमेंट करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।